इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंतक गूंजायमान है ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है गूंजायमान है वो अटल विधान है विजय का वो प्रमाण है ब्रह्मांड का महान योद्धा अनंत असीम ब्रह्मांड अद्भुत विशाल विराट जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं मिटती रहती हैं हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे अनेकों सूरज और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए न जाने कितने तारे चमके और खो गए न जाने कितने ग्रह कितनी पृथ्वियां कितनी सभ्यताएं बनी बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था थार। थार एक रेगिस्तान था पानी की बूंद नहीं थी फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था जिसे थारस कहते थे यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था जीने के लायक बना देता था कहावत थी थारस जिसके वश में पूरी आकाश गंगा उसके वश में आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था, बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। ये यान मेरा पीछा कर रहा है। लड़ाकू यान लेकर आएंगे वो। बस हमारे वहां तक पहुंचने से पहले किसी भी तरह से हालात को संभाल लीजिए। शेजार ने हमला किया था तो सैकड़ों विद्यार्थी जान बचाकर इस ओर भाग आए थे। शायद ये भी उनमें से ही कोई विद्यार्थी रहे होंगे जो आए थे ज्ञान लेने, लेकिन मिली इन्हें मौत, क्योंकि शिक्षा लेकर षड्यंत्र जो कर रहा था तुम्हारे सम्राट के खिलाफ। चलो चलो जल्दी चलो, ये रेगिस्तान तो इस तरह के अस्थि पंजरों से भरा है, किस किस को तुम रुक कर देखते चलोगे? मुझे तो अब केवल शेजार के अस्थि पंजरों को देखने की इच्छा है, उस शैतान का अस्थि पंजर। फिर भी मैं आज
तक साथ देती रही शेजार का, लेकिन अब और नहीं, अब और साथ नहीं दूंगी शेजार का। ये क्या विमानते के शरीर के कण आकाश में घूम रहे हैं? ऐसा तो तभी होता है जब शेजार का रूप बदलने लगता है, जब शेजार घुमांतक के प्रभाव से घुमांतक जैसा होने लगता है। तो नौशून ने भी आर्यमान को अपने साथ मिला लिया, ये अच्छा नहीं हुआ। आर्यमान अब बहुत ताकतवर हो गया है, वो नौशून के साथ मिल गया है। अब मेरे दो दो दुश्मन हो गए हैं, दोनों को कुचलना होगा। फिर तो आज भी बदलेगा उसका रूप, मानतक जैसा बनकर ही रहेगा वो। हमारा एक रूप है, धुमान तक जागता है, मेरे शरीर में जागता है। हीरा बनकर धोखा देने आई थी मुझे, ऐसी मौत मारूंगा तुम्हें। मौत से डरती नहीं हूँ शेजार, जैसी मौत चाहे मार दे मुझे, मगर याद रख अपनी मौत को भी तू अब टाल नहीं सकता, चाहे तू कोई भी रूप अपना ले। कौन मारेगा मुझे? आर्यमान, तेरी मौत का दूसरा नाम आर्यमान है शेजार। कोई नहीं मार सकता शेजार को, शेजार के शरीर में धुमांतक है और धुमांतक अमर है, अमर है। बिल्कुल सच कहा आपने, तो इस औरत की असलियत आपने जान ही ली। बहुत खतरनाक औरत है ये, किसी का भी रूप बना लेने में माहिर है ये। लेकिन हमसे भी अपनी असलियत छुपा नहीं सके शीला, पर आप उनके चंगुल से बचकर कैसे चली आई? बस किसी तरह अपनी जान पर खेलकर आई हूँ महाराज। ये भी अच्छी किस्मत का नतीजा है जो आप सही सलामत लौट के वापस आ गए, लेकिन इसने भी कम धोखा नहीं दिया था हमें। हम तो इसे शीरा ही समझ बैठे थे, पता है अपने झूठे सपने की बात बताकर इसने हमें आकाश गंगा का द्वार खोलने से रोक दिया, मगर हम आज ही खोलेंगे द्वार। देखो ना कितना मेहरबान है धुमान तक, हम पे अपना रूप दिया है हमें, हम आज ही खोलेंगे द्वार। वैज्ञानिक पदार्थ जी महाराज, आप जाके द्वार को खोलने का बंदोबस्त कीजिए। जी महाराज। नहीं महाराज। क्या हुआ शीरा? ये द्वार मत खोलिए, मत खोलिए। क्यों? आप भी हमें आकाश गंगा का द्वार खोलने से मना कर रही हैं? हाँ क्योंकि ये नहीं चाहती है कि आप आकाश गंगा का द्वार खोलने में कामयाब हो जाए। महाराज ये नौशून और आर्यमान के साथ मिल चुकी है। आर्यमान हमारे हमले से घायल होकर मरने वाला था, पर इसने अपने सपने की शक्ति को खोकर आर्यमान को बचाया है इसने।
महाराज, ये आपको गुमराह करने आई है। इसका मकसद आपको आकाश गंगा का द्वार खोलने से तब तक रोके रखना है जब तक महाराज। इसका मतलब वो सही कह रहा था, तुम गद्दार हो चुकी हो। इंसानियत के प्रति वफादार हो गई हूँ ऐसा कहो शेजार। अनजाने में तुम्हारा साथ देकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन नौशून से मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल चुका है और अब मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं करने दूंगी। शीरा बचो। आर्यमान की जान बचाने के लिए तूने अपनी सारी शक्तियां खो दी। तुझे मालूम है ना हद्दारी की कैसी सजा देता है धूमधाम का। आकाश गंगा का द्वार खोलने से मुझे रोकने आई थी। जाके फॉर्म खोल दो आकाश गंगा के द्वार को। नहीं शेजार, ऐसा मत करो। आकाश गंगा का द्वार तो खुल कर रहेगा। हमें ब्रह्मांड का स्वामी बनना है और बन कर रहेंगे हम। हजारों साल पहले उद्वान ने रोकने की कोशिश की थी। लो आ गई तुम्हारी काल आकाश गंगा। यहां मैं तुम्हें खत्म करने लाया हूं। तब तक मैं तुम्हें लाखों टुकड़ों में बांट दूंगा। तुम्हें तक ये मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें तक तुम्हें टुकड़ों में विभक्त करने के बाद तुम्हारी काल आकाश गंगा का संबंध मैं सारे ब्रह्मांड से हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ब्रह्मांड की ऊर्जा एकत्रित करके मैं एक कवच बनाऊंगा जिससे तुम्हारी सारी काल आकाश गंगा ढक जाएगी और उस कवच का द्वार मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मैं तो तुम्हें पूरी काल आकाश गंगा दे रहा हूं भाई। गलती से कल अगर तुम दोबारा जिंदा होगे तो कम से कम एक आकाश गंगा के मालिक तो बन सकोगे। देखो आ गया तुम्हारा। तुम्हारे इस ग्रह के साथी तो आ गए हैं मौसम जी, मगर दूसरे ग्रहों के साथी आने वाले हैं कि नहीं? साथी आ चुके हैं आर्यमान, वो देखो।
इन्हें मेरे साथी संभाल लेंगे। तुम जल्द से जल्द महल तक पहुंचने की कोशिश करो। नहीं, ऐसा मत करो शेजार। रोक दो फदाक को। मत खोलो आकाशगंगा के द्वार को शेजार। आकाशगंगा का द्वार तो खुल कर ही रहेगा।